अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकात। इत्तेहाद नून में आप सभी का खैर मकदम है। अहम खबरों पर एक नजर। बेलगाम जिला सूखे की जद में आ चुका है। इस साल बारिश की मकदार कलील रही, लिहाजा रियासत के कुल 135 तालुकाओं को सूखे से मुतासिर होने का ऐलान इंतजामिया की जानिब से किया गया। बेलगाम जिले में बेलगाम और खानापुर तालुका छोड़कर दिगर सभी तालुकाओं को सूखा मुतासिर बताया गया। बेलगाम और खानापुर में भी जिस तरह बारिश बरसनी थी नहीं बरस पाई। पानी की किल्लत और खेतों में बारिश के बिना बर्बाद होती फसलों के मद्देनजर मसनूई बारिश यानी आर्टिफिशियल बारिश बरसाने की कोशिश करने का फैसला लिया गया। ख्याति मॉडिफिकेशन कंसल्टेंट्स बेलगाम शुगर्स के इश्तराक से इस काम को अंजाम देना तय हुआ है। बेलगाम जिला कलेक्टर को इसके मुतालिक इत्तला भी दी गई है। हुकूमत ने इजाजत तो दी है लेकिन बेलगाम जिले महकमा के जरमातेहत इस काम को अंजाम दिया जाएगा ऐसा बताया जा रहा है। ख्याति क्लाइमेट मॉडिफिकेशन कंपनी ने इससे पहले कामयाब तजर्बा करने का दावा तो किया है। तमाम कार्रवाई के अखराजात बेलगाम शुगर्स उठा रही है, लिहाजा क्या यह तजर्बा कामयाब होगा इस तरफ सभी की नजर लगी हुई है। आज शहर में बड़ा हादसा होते होते रह गया। सुवर्ण सौध के करीब के कॉप सीबीटी बस अचानक पलट गई जिसमें 40 सवार मौजूद थे। बस का कंडक्टर और दिगर 5 अफरादों को जिला अस्पताल में दाखिल किया गया जिनकी हालत नाजुक बताई जा रही। आज कर्नाटक रक्षण वेदिके की जानिब से कावेरी का पानी तमिलनाडु को न देने पर एहतजाज किया गया। इस वक्त तमाम हाईवे के ट्रैफिक को रोक दिया गया। पुलिस की जानिब से एहतजाज करने वालों को हिरासत में भी लिया गया, इन्हें फिर बाद में रिहा भी किया गया। ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದವರು ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಕಾವೇರಿ ನೀರನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನೀರನ್ನು ಹರಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿ ಜೈಲ್ ಸೇರೋ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ। ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ವತಿಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಸಂಸದರುಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಾಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। भाजपा के कई लीडर कांग्रेस के राब्ते में होने की बात पहले से कही जा रही है और इस बार तो कांग्रेस की जानिब से ऑपरेशन हस्त को अंजाम देने की भी बात सामने आ रही है। इससे पहले भाजपा के साबिक एमएलए अनिल बेन के भी कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार करने की खबर फैली थी, पर आज भाजपा एमपी मंगल आंगड़ी भी कांग्रेस में शामिल होने की खबर गश्त कर रही है। पर एमपी मंगल आंगड़ी ने अपनी खामोशी को तोड़ते हुए भाजपा छोड़ कांग्रेस में दाखिल होने की खबर को बेबुनियाद बताया। इतना तो जरूर नजर आ रहा है कि भाजपा कर्नाटक में कांग्रेस से डरी हुई, लिहाजा भाजपाइयों को सफाई देते हुए देखा जा रहा है। इल्ल कांग्रेस सेरबदे सेरोदंती पक्का सोळु अदेनु कांग्रेस सेरंगिल्ल शहर के मुख्तलिफ चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस का दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट चेक करना या हेलमेट नंबर प्लेट की तफ्तीश कर जुर्माना लगाया जा रहा है। ट्रैफिक महकमा की जानिब से एक नया ऐलान करते हुए बताया गया कि अगर 18 साल से कम लड़का या लड़की दो पहिया सवारी चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो सीधे 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। अक्सर देखने को मिल रहा है कि कमसीन उम्र के लड़का लड़कियां टू व्हीलर पर तफरी करते देखा जा रहा है। स्कूल के बच्चों को भी टू व्हीलर के साथ भेजना शायद कुछ वालिदैन को फक्र लग रहा है। 12 हादसे भी होते देखे जा रहे हैं। बढ़ती वारदातें और कमसीन उम्र में 3-3 सवारियों को बिठाकर बेतरतीब गाड़ी चलाने वालों को अब जुर्माना भी तगड़ा भरना पड़ेगा ऐसा जिला महकमा की जानिब से बताया गया। बेलगाम कोर्ट से डीसी दफ्तर जाने के लिए अंडरपास का इस्तेमाल आवाम की जानिब से नहीं किया जा रहा। लाखों रुपए लगाकर इसकी तामीर तो की गई लेकिन इसका इस्तेमाल वकील और आवाम की दोनों जानिब से नहीं किया जा रहा, लिहाजा आवाम और वकीलों के लिए एक तरह से सहूलत ही थी पर इसका बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। गैर कानूनी मामलात भी अंजाम देने की तरह बारहा हासिल होती रही और डीसी बेलगाम से मुतालबात भी पेश किए गए।
समाजी तंजीमों की जानिब से कई मरतबा ये भी बताया गया कि यहाँ पर गलत कामों को अंजाम दिया जा रहा है, लिहाजा कि अगर इस्तेमाल में नहीं है तो बेसहारा लोगों के लिए रहने की इजाजत दी जाए, ऐसी भी मांग की गई थी। क्योंकि अब इस्तंजे के लिए अब इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे डिस दफ्तर इहाते में बदबू फैलती हुई नजर आ रही है। आखिरकार आज यहाँ सफाई की गई, बदबू के मद्देनजर यहाँ सफाई की मांग अरसे से की जा रही थी, जिसे आज अंजाम दिया गया। आज से बड़े जानवर बैल, गाय और भैंस की खरीदो फरोख्त कहीं पर भी नहीं होगी, ऐसा बेलगाम जिला महकमा की जानिब से ऐलान किया गया। जानवरों के बाजार बेलगाम जिले के कई तालुकों में लगते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में खाल के मर्ज यानी चर्म रोग की बढ़ती बीमारी जानवरों में पाई जाने के बाद बाजारों को बंद कर देने का ऐलान किया गया। बेलगाम सरहद इलाकों में जानवरों के खाल पर गाटियों का मर्ज पाया जा रहा है, लिहाजा बैल, भैंस, गाय को बेचने खरीदने का बाजार अगली हिदायत तक बंद रखने को कहा गया। बेलगाम जिला रायबाग कुर्ची के शिव शक्ति लॉज में बाहरी गांव से लड़कियों को लाकर जिस्म फरोशी का कारोबार चलाया जा रहा था, यह खबर हासिल होते ही बेलगाम साइबर क्राइम की जानिब से छापा मार कर दो लड़कियों के साथ 5 अपराधों को हिरासत में लिया गया। शिव शक्ति लॉज में जिस्म फरोशी का कारोबार की शिकायत पिछले कुछ अरसे से पुलिस को दी जा रही थी, लेकिन मुकामी पुलिस इसे नजरअंदाज कर रही थी, ऐसा यहाँ की आवाम का कहना भी है। कॉर्पोरेशन मिल्कियत में अब 3% टैक्स का इजाफा किया जाएगा। मेयर, डिप्टी मेयर और अपोजिशन का मुत्तहिदा फैसला लिया गया। इस वक्त एमएलए आसिफ सेठ, विपक्ष नेता मुजम्मिल डोनी, कॉर्पोरेटर रियाज किलेदार, कॉर्पोरेटर अजमीन पटवेगार और दिगर कॉर्पोरेटरों ने अपने ख्यालात का इजहार इस वक्त किया। हुकूमत की जानिब से स्कीमों का ऐलान तो किया जाता है, पर सही आवाम की सहूलतों का ख्याल नहीं रखा जाता, इसी शिकायत कुछ लोगों की जानिब से की जा रही है। पोस्ट ऑफिस में 2,000 रुपये राशन के, चावल के रुपये वगैरह दिए जाने के लिए सुबह 9 बजे टोकन दिए जाते हैं और 4 बजे के दरमियान इन्हें बुलाया जाता है, लेकिन तमाम के लिए एक ही काउंटर रहता है जहां पर आधार लिंक, मोबाइल लिंक, कैश विड्रॉल सभी एक ही कतार में खड़े होकर दिए जाते हैं। अक्सर खवातीन होने की वजह से घंटों तक कतार में रुकना पड़ता है, जिससे घरेलू खवातीनों को परेशानी उठानी पड़ रही, लिहाजा अलग काउंटरों के जरिए बेहतर सुविधा फराहम की जाए, इसी मांग आवाम की जानिब से की जा रही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।